इस घोड़े में को कहते हैं कि पसीना होता है, ये मेले में कौन सा मेला होता है बाबूजी? मेरा माँ मीना चाले में होता है। अच्छा, वो अंदर। हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका हमारे चैनल पर स्वागत है और मैं हूँ धर्मेंद्र। आज दोस्तों मैं आपको लेके आया हूँ एक ऐसे संत के पास जो योगिक क्रियाओं के बड़े ही जानकार थे, और अब तो वर्तमान में उनका शरीर थोड़ा अस्वस्थ चल रहा है और उम्र भी है। तो दोस्तों वीडियो ये स्टार्ट करने से पहले आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, कमेंट करना हो तो कमेंट करें, आप शेयर करें वीडियो को और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अब मैं आपको ये जो मंदिर है इसके बारे में जानकारी दे रहा हूँ जहाँ ये संत विराजमान है, लक्ष्मण गिरी जी महाराज 1008 श्री श्री लक्ष्मण गिरी जी महाराज। तो दोस्तों ये जो मंदिर आया हुआ है ये जालौर जिले के आहोर तहसील के कवराड़ा गांव का ये बड़ा मठ है और यहाँ बाबा रामदेव का मंदिर है। और दोस्तों मेरे पीछे यहाँ मैं जब आपको इंट्रो में बता रहा हूँ कि ये जो समाधि है जो नारायण दास जी महाराज की समाधि है और ये जीवित समाधि है यहाँ की, इसके बाद में मैं आपको अंदर लेके जा रहा हूँ। दोस्तों तो ये जो है बाबा रामदेव का ये मंदिर है और यहाँ जो संत विराजमान है श्री श्री 1008 लक्ष्मण गिरी जी महाराज, तो उनसे भी मैं मिलाऊंगा। अभी मैं फिलहाल आपको जो है यहाँ जो बाबा के दर्शन करवा देता हूँ। कितना शानदार ये मंदिर आया हुआ है और यहाँ की एक विशेषता मैं आपको दोस्तों और बताऊंगा। यहाँ जो बाबा लोक देवता जो यहाँ के रामदेव बाबा है उनके मंदिर में जो पीछे बना हुआ एक घोड़ा है, उस घोड़े को रियली एक चमत्कारिक ये चीज है कि उसको साल में एक बार पूरा पसीने से तर तर होता है और पानी पानी हो जाता है। ये यहाँ के संतों ने मुझे बताई है, यहाँ के लोकल लोगों ने बताया है, तो उसको भी मैं आपको दिखाऊंगा और बात भी करवाऊंगा आसपास जो लोग होंगे उनसे। तो चलते हैं, उसको भी दिखाता हूँ, पहले आपको मैं ये मंदिर में दर्शन करवा देता हूँ। तो चलिए मेरे साथ आप भी ऊपर आइए, देख लीजिएगा। तो ये मंदिर है दोस्तों और सामने जो है ये शानदार चांदी के घोड़े पर विराजमान यहाँ के लोक देवता बाबा रामदेव जी महाराज का ये मंदिर है और ये कवराड़ा गांव में है। तो हम भी प्रणाम करते हैं बाबा को। और दोस्तों मैं आपको इस जो मूर्ति को है जो अंदर से भी दिखाने की कोशिश करूँगा, तो आप देखिएगा ये किस तरीके की मूर्ति है। तो दोस्तों ये आप देख रहे हैं ये बाबा रामदेव जी की इस मंदिर में प्रतिष्ठित जो प्रतिमा है, जो देख लीजिएगा कितनी शानदार है। और अब मैं आपको उस घोड़े के भी दर्शन करवाता हूँ, जिसको एक साल में कोई कौन सा दिन है उसके बारे में भी जानकारी लेंगे। उस दिन पूरा घोड़ा जो है पसीना पसीना होता है। तो चलते हैं उधर दोस्तों। तो बाबा जी अपने को रास्ते में मिल गए। दोस्तों तो बाबा जी जो लक्ष्मण गिरी जी बाबा जी है 1008 श्री श्री, इनसे ही जानते हैं, यही वो घोड़ा है जिसको भादवे महीने की बाबी ये इस घोड़े में को कहते हैं कि पसीना होता है, ये मेले में कौन सा मेला होता है बाबूजी? मेरा माँ बिना चाले में होता है। अच्छा, वो अंदर है, ये तो पर्चा दिया है खाती को। किसको? खाती को, हुतार को। अच्छा, सुतार को पर्चा दिया, ये समझ ये लगा हुआ। अच्छा, क्या पर्चा बाबूजी दिया? ये जो अंधा था उसको आँख मिली। अच्छा, अंधे को आँखें दी। अच्छा, और वो अंदर वाले जो घोड़ा स्टार्टिंग में जीना है ये है। अच्छा, पुराना ये है। हाँ, तो है जाल थी, जाल के नीचे कच्चा सपूतरा था। अच्छा, ऊपर से जो वीरा है, वीरा ऊपर जाता था। अच्छा, बाद में। अच्छा, ये 200-250 वर्ष पहले की बात। 200-250 वर्ष। और ये पसीना जो घोड़े को होता है वो अंदर वाले घोड़े को होता है। हाँ। तो दोस्तों
जो मैंने आपको बताया था, मैंने वो जो मूर्ति आपको अंदर की दिखाई है, उस मूर्ति को भादवे के कौन से महीने के बाद जी वो पसीना होता है? वो भादवे अपने भादवा शुद्ध अपने एकादशी, एकादशी को देखो तो एकादशी के दिन जब यहाँ मेला लगता है तब वहाँ जो है उस घोड़े को एकदम पसीना पसीना हो जाता है और फिर एकदम कपड़े से साफ किया जाता है, चाहे उस कपड़े को निचोड़ो। तो आज भी उस पत्थर की उस मूर्ति में इतना बड़ा चमत्कार है। और अब बाबा जी के साथ चलते हैं आसन तक। दोस्तों तो देख लीजिएगा ये बाबा जी के जो चित्र है, ये कहीं गुरु के हैं और इनके शिष्यों के हैं। और बाबा जी के ये ऊपर जो है ये जो फोटो लगे हुए आपको देख सकते हैं, और इसमें ये बाबा जी का महंत लक्ष्मण गिरी जी महाराज कवराड़ा, और ये देख लीजिएगा महंत लक्ष्मण गिरी जी महाराज गुरु श्री श्री महंत प्रयाग गिरी जी महाराज कवराड़ा, और ये देख लीजिएगा ये बाबा जी 50 किलो वेट के इस बाट को अपनी इंद्री से उठाते हुए, और ये बाबा जी का मैन जो है फोटो है। बाबा जी लोक देवता रामदेव बाबा के भक्त है, और ये बाबा जी का जो है मैन स्थान यहाँ जो बाबा जी बैठते हैं, और इस और जो है श्रद्धालुगण जो है यहाँ आए हुए हैं। चलो तो बाबा जी दोस्तों आसन पे विराजित है, और अब बाबा जी से जानेंगे कुछ इस एरिए के ये इस मंदिर के बारे में, और यहाँ के कुछ जानकारी और ज्ञान की कुछ चर्चा भी आपसे करेंगे। और साधु यहाँ है तुलसी गिरी जी महाराज भी पधारे हुए हैं, और भक्तगण जो यहाँ के हैं वो भी यहाँ बैठे हुए हैं। तो दोस्तों पूछते हैं बाबा जी को, बाबा जी संसार में हमारे को कुछ दीजिए, ज्ञान की बात बता दीजिए आप। संसार में आया हो भगवान उनका जमारा दिया है, तो हरि को याद करना, सुमरण करना है, किसी को बुराई नहीं करनी है, वैसा अपना परोपकारी करना। बाबूजी एक बात मैं पूछूंगा आपको, आपके संन्यास जीवन में कितना साल हो गया आपको? मेरा 60 वर्ष बीत गया। 7 साल मतलब बाल ब्रह्मचारी आप तो 7 साल हो गए। आपकी उम्र कितनी हो गई होगी? 72 साल की। फितर में 72। दोस्तों बाबा जी की 72 साल की उम्र है, 12 साल के साल में उम्र में ही बाबा जी ने संन्यास ले लिया था। नागा साधु है, और बाबा जी ने योगिक क्रियाओं के बाबा जी योगिक क्रियाओं के बारे में आपसे हम जानना चाहेंगे। ये जो योगिक क्रिया, ये फोटो वगैरह जो मैं देख रहा हूँ जिसमें ये जिस तरीके की योगी क्रिया है, बाबा जी तो क्या ये संभव है? हो सकता है क्या? अभ्यास था, अभ्यास करता रहा पाप। अभ्यास 12 साल अभ्यास किया है। अच्छा, इसके लिए तो ये संभव तो है ना, ये कर तो सकते हैं ना इंसान। तो दोस्तों मैं अभी आपको इसके फोटो भी दिखाऊंगा कि बाबा जी 50-50 किलो जो वेट के जो पत्थर या ये जो वजन का जो होता है नाप का, उसको अपनी इंद्री से उठा लेते थे। अभी तो 72 साल की बाबा जी की उम्र है। और इस मंदिर के बारे में मैं बाबा जी से ज़्यादा तो, क्योंकि बाबा जी थोड़ा सुनते कम है, इस हिसाब से ज़्यादा आपसे मैं बात नहीं कर सकता बाबा जी से। और अब मैं आपसे ले रहा हूँ विदा, फिर मिलूंगा अगले कोई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।